नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऋषभ एस्ट्रो महाराज में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शनि से बनने वाले एक बहुत ही उत्तम राजयोग के बारे में, जिसका नाम शश है। शश नाम राजयोग कैसे बनता है, आपकी कुंडली में है या नहीं, अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, शश योग तब बनता है जब शनि अपनी स्वयं की राशि यानी मकर या कुंभ में हो, या अपनी उच्च राशि तुला में हो। और इसकी एक और कंडीशन है कि ये केंद्र भाव में होना चाहिए। केंद्र भाव कौन सा होता है? फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस एंड टेंथ हाउस। अगर शनि पहले भाव यानी आपके लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दशम भाव में, इन केंद्र के स्थानों में मकर राशि में या कुंभ राशि में या अपनी उच्च की राशि तुला राशि में अगर मौजूद है, तो शश नामक राजयोग का निर्माण होता है। अब शश नामक राजयोग से क्या परिणाम क्या होता है, इसका क्या फल प्राप्त होता है, जातक क्या इससे लाभ उठा सकता है? दोस्तों, इससे बड़े से बड़ा जज वकील बन सकता है, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन बन सकता है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बना जा सकता है, उच्च कोटि की सरकारी नौकरी मिल सकती है, आध्यात्मिक उन्नति अच्छी होगी, ज़मीन प्रॉपर्टी धन से परिपूर्ण होगा जातक। बस इतना एक और कंडीशन इसमें होती है कि औरों की तुलना में समय इसमें ज़्यादा लग सकता है। इस योग में इसके फलित होने में और किसी राजयोग से आप अगर कंपैरिजन करते हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे लूँ, शनि लग्न में मकर राशि में यानी 10 नंबर की राशि में मौजूद है तो ये योग बनेगा। अगर 11 नंबर यानी कुंभ में है तो बनेगा, और या फिर 7 नंबर यानी तुला में है तो बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे शनि हो 10, 11 या 7 में, ऐसे ही यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, तो यहाँ पे मौजूद होने से शनि की अपनी दोनों राशियों में या फिर तुला राशि में, किसी में भी इन तीनों में से किसी राशि में केंद्र स्थान में अगर ये योग बनता है तो ही इसको शश नामक योग कहा जा सकता है। अगर ये किसी और स्थान पे बनता है कुंडली में, मतलब कि शनि अगर कुंभ, मकर या तुला में किसी और स्थान पे, इन चार स्थानों को छोड़कर किसी और स्थान में रहते हैं, तो इसको शश योग नहीं कहा जाएगा। इसकी कंडीशन यही है कि ये केंद्र भाव में होना अनिवार्य है। धन्यवाद। जय श्री राम।